उत्तराखंड अपनी विशेष संस्कृति और सभ्यता के लिए देश में अलग पहचान रखता है और हमारी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जिम्मा केवल हम पर है, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है। इसी सोच के साथ एक नेक कोशिश शुरू हुई थी, प्राइमरी स्तर से ही लोक भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाया जाए। बावजूद इसके हमारी दुध बोलियों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2019 में राज्य सरकार ने स्कूलों में लोक भाषा सिखाने की पहल शुरू की थी। पौड़ी के 79 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में गढ़वाली पाठ्यक्रम लागू करने के साथ शुरुआत हुई थी। कक्षा 1 के लिए धगुली, कक्षा 2 के लिए हसुली, कक्षा 3 के लिए झुबकी, कक्षा 4 के लिए पैजबी, कक्षा 5 के लिए झुमकी नाम की किताबें लाई गई। शुरुआत में बच्चों ने इसमें खासी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन कोविड के बाद इस मिशन पर फुल स्टॉप लग गया। हमारे पास मौका था कि कोविड के बाद 2022 और 2023 में लोक भाषाओं की नायाब पहल को आगे बढ़ाया जाता। इसी तर्ज पर कुमाऊनी और जौनसारी का सिलेबस भी तैयार किया जाता, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा, बड़ी मेहनत से तैयार की गई गढ़वाली कुमाऊनी किताबों का आज कोई अता पता नहीं है।